नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा के बारे में और इसे सुरक्षित और मजेदार बनाने के सुझावों पर। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और परमिट जरूरी है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड से पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा लें और यात्रा परमिट ले लें। परमिट, आईडी कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट हमेशा साथ रखें। हेल्थ चेकअप भी बहुत जरूरी है। यात्रा से पहले डॉक्टर से चेकअप करवा लें और सुनिश्चित करें कि आप फिट हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट भी साथ रखें। यात्रा बीमा भी एक अच्छा विचार है। किसी भी इमरजेंसी के लिए यात्रा बीमा जरूर करा लें। अब बात करते हैं सामान पैक करने की। गर्म कपड़े जैसे थर्मल, ऊनी स्वेटर, भारी जैकेट, दस्ताने, मोटे मोजे और गर्म टोपी साथ रखें। बारिश से बचने के लिए रेनकोट या पोंचो, वाटरप्रूफ बैग और छाता भी साथ ले जाएं। जूते भी मजबूत होने चाहिए। अच्छे ग्रिप वाले ट्रेकिंग शूज पहने। रोज की चीजों के लिए एक छोटा बैकपैक साथ रखें। पानी की बोतलें साथ रखें ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। हाई एनर्जी स्नैक्स जैसे नट्स, चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स भी साथ ले जाएं। फर्स्ट एड किट भी साथ रखें। इसमें बैंडेज, एंटीसेप्टिक, दर्द की दवाइयां और ऊंचाई की बीमारी के लिए दवा भी रखें। वॉकिंग स्टिक ले जाएं, ट्रैक में सहारा मिलेगा। टॉर्च या फ्लैशलाइट भी साथ रखें, एक्स्ट्रा बैटरियों के साथ। मोबाइल चार्ज रखने के लिए पावर बैंक भी साथ ले जाएं। ऊंचाई पर धीरे धीरे ढलें। यात्रा शुरू करने से पहले एक दो दिन ऊंचाई पर रहकर अपने शरीर को ढलने दें। पानी खूब पिएं और हल्का, एनर्जी से भरपूर खाना खाएं। अपनी स्पीड से चलें और बीच बीच में आराम करते रहें। ऊंचाई की बीमारी के लक्षणों को पहचानें, जैसे सिरदर्द, चक्कर आना या उल्टी होना। अगर ऐसा हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। यात्रा के दौरान स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करें और श्राइन बोर्ड और वहां के अधिकारियों के बताए नियमों का पालन करें। ग्रुप के साथ रहें, अकेले ना भटकें। पर्यावरण को साफ रखें, कचरा ना फैलाएं और कचरा डालने के लिए सही जगह का इस्तेमाल करें। अपने परिवार और दोस्तों को बताते रहें कि आप कहां हैं। मौसम का अपडेट लेते रहें और अधिकारियों के बताए नियमों का पालन करें। लेयरिंग करें, यानी दिन में बदलते तापमान के हिसाब से कपड़े पहने। इमरजेंसी के लिए भी तैयार रहें। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जैसे स्थानीय अधिकारियों और अपने साथियों के नंबर अपने पास रखें। रास्ते की जानकारी रखें, जैसे मेडिकल कैंप और हेल्प सेंटर कहाँ हैं। रास्ते के वन्य जीवों को ना छेड़ें और ना ही उन्हें कुछ खिलाएं। स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें। पॉजिटिव रहें और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें। इन सब बातों का ध्यान रखकर आप अपनी अमरनाथ यात्रा सुरक्षित, मजेदार और आध्यात्मिक रूप से भरपूर बना सकते हैं। धन्यवाद।